हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पहली बार सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। आदित्य ठाकरे ने लिखा है, सुशांत केस में घटिया राजनीति हो रही है, मैंने मामले पर संयम रखा है, लगातार कुछ लोग उन पर हमला कर रहे हैं, ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगा। पहली बार आदित्य ठाकरे बोले हैं, उनके नाम से सोशल मीडिया पे बहुत से ट्रेंड्स चलते रहे बीते कुछ हफ्तों में। मेरे साथ मेरे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त जुड़ गए। गणेश, हालांकि अयोध्या में हैं लेकिन लगातार नजर इस डेवलपमेंट पर रखें। गणेश, आदित्य ठाकरे का पहला रिएक्शन, पहला ट्वीट कैसे समझा जाए इसको, प्रेशर में आदित्य ठाकरे? जी, प्रेशर में है और अब इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ी उन्हें, लेकिन प्रतिक्रिया भी बहुत स्ट्रांगली उन्होंने सामने रखी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये घटिया राजनीति का हिस्सा है, लेकिन मैंने संयम रखा है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले से, सुशांत सिंह राजपूत के मामले से मेरा रत्ती भर भी संबंध नहीं, लेकिन इसे ठाकरे परिवार और शिवसेना मेरे साथ जोड़ा जा रहा है, ये एक राजनीति का हिस्सा है। कोरोना में जो हमने कर दिखाया उससे शायद विपक्ष हताश है, इस वजह से अब सुशांत सिंह राजपूत के जरिए मुझ पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई का एक बड़ा हिस्सा है, मेरे दोस्त उस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस गुनाह में शामिल हूँ। मुझ पर लगने वाले सभी आरोप बेबुनियाद हैं और मैं बालासाहेब ठाकरे के पोते के नाते सबको ये बताना चाहूंगा कि मेरा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और मेरे हाथ से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे ठाकरे परिवार या शिवसेना की प्रतिष्ठा को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। गणेश, आप कहना यह है कि ट्वीट पढ़ के सुना दे रहा हूं एक बार कि ये घटिया राजनीति हो रही है, लेकिन मैंने संयम रखा, मैं बाला साहब ठाकरे का पोता हूं। आदित्य ठाकरे का ट्वीट है ये, पहली बार बाला साहब ठाकरे का पोता और उनका पोता होने के नाते मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे हाथों से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे ठाकरे परिवार और शिवसेना की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। आदित्य ठाकरे का ये पहला रिएक्शन है सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस में। कुछ लोग दबी जुबान से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार पोस्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे भी जुड़े हुए हैं। पहली बार कहा है कि घटिया राजनीति हो रही है। एक चीज गणेश में जो आपसे जानना चाहता हूं, क्या किसी भी बड़े नेता ने या किसी भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने या सोशल मीडिया पोस्ट में जो ऑफिशियल हैंडल हो वहां से आदित्य का नाम लिया गया? क्या कभी आदित्य के ऊपर किसी नेता ने कोई टिप्पणी की अभी तक ऑफिशियली? जी देखिए, खुले तौर पे तो किसी बड़े नेता ने ऐसी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन दबी जुबान पे या इशारा करते हुए नाम रखा था। आज नारायण राणे ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि डीनो मोरिया फिल्म स्टार, उनके घर पे एक मंत्री जाते हैं और वहीं से सुशांत के घर पे पार्टी होती है और सुशांत की मौत आत्महत्या नहीं तो हत्या है। इस मामले में उन्होंने ये भी कहा कि दिशा सालियन की मौत आत्महत्या नहीं तो हत्या है और इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है और एक बड़े नेता इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे थे, तो राजनेता या बड़े रसूखदार लोग जो इस मामले से जुड़े हुए हैं या इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया अलग प्लेटफॉर्म्स पे, उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा किया था आदित्य ठाकरे के पास, इस वजह से आदित्य ठाकरे को सामने आना पड़ा। अब सवाल यह कि किसी ने नाम नहीं लिया तो सामने क्यों आए, लेकिन लगातार प्रेशर बन रहा था। शिवसेना के पार्टी के नेता ही कहने लग गए थे कि आदित्य ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है। लगातार ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, कभी आदित्य ठाकरे के नाम पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, कभी किसी और नाम से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन वाकई में उनके नाम को घसीटा जा रहा था, लेकिन ऑफिशियली कोई उनके नाम लेके नहीं बात कर रहा था। खैर